हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेलीमास मल्टी ब्लॉग। आज मु आपण मानक संगरे मुड़ी मुआर रेसिपी शेयर करी, जोटा कि मैं बहुत फास्ट तैयारी करछे, बहुत कम समय रे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स रे आपण ए रेसिपीटी तैयारी करी परबे। एटा आपण टिफिन ने भी नै परबे, संध्या बेले छोट पिला मानको टिफिन बॉक्स रे भी दे परबे। तबे चालन तो देखिनो रेसिपीटी। मैं ठी गोटे पैकेट मुड़ी रे मुआ तैयारी करी, से 400 ग्राम गुड़ मुई ठी नै छी। गुड़ को नहीं ताको भल भाव मेल्ट कर नबा, कहीं ना पाग तैयारी हे। एथिरे अल्प नड़िया काटिकी पकई देछि, जोटा कि बहुत टेस्ट लगे मुढ़ी मुआरे। एबे गुड़ को पाग हवापे आम छाड़दबा, मझे एमती गोल नौथिबा, नहले गुड़ लागिजिबो। एमती लगातार चलई नौथिबा, देखंतु एपरि भाबरे आपण मानकर पाग गुड़र जदि ठीक रहिबो तो आपणक मुआ फिटिबो नै, बहुत टाइट बाइंडिंग भी हे। देखु आम गुड़ एवं आस्ते आस्ते पाग हो आसान, अल्प पानी पकाई हाथ में धरले जदि यहाँ बाइंडिंग हो जा जानवे आप ठीक अच्छी। देखते यहपर भाव एम गुड़ रेडी अच्छी, मोर पाग ठीक हो गला। एमें मुढ़ी को आड करने, आड करवा सांगे सांगे आम मुढ़ी की गोल नवा, भलक गोल तल लगनी आ मुढ़ी भलक गोल हम। देखो ये भलक मुढ़ी गोल हो सबुति जमी गुड़ सेट नहीं जीव, से भल मुढ़ी मुआ तैयारी हम। एर अल्प घी गोटे चमच घी आड कर नवा, ए बास्ना भल आसे। एवं आपको भलक गोल नवा, देखते यह भलक मिशिगला। एवं आपको छोट छोट आर गुड़ा नहीं आपड़ जी बड़ सैज्र चाहती मुढ़ी मुआ से बड़ सैज्र तैयारी करे। आपणकर छोट पसंद है आप छोट करें, बड़ चाहिए आप बड़ बड़ लड़ू भी तैयारी करें। मुढ़ीर बहुत टेस्टी लड़ू बनी था, आपड़ा बहुत कम खर्च में बहुत कम समय रे घरे भी तैयारी करें। देखते मोर लड़ू तैयारी हो गला, भाव में सब जो मुढ़ी गोला को लड़ू तैयारी करे। आप घी हाथ हो लड़ू तैयारी करेंगे, कहीं ना गरम थाए घी हाथ ना हाथ में लगिज गुड़टा, तो घी हाथ हो आप गरम करेंगे। देखु यहपर भाव में मोर लड़ू जिते टाइट बाइंडिंग करे से लड़ू भी टाइट हो खोल ना। एवं देख मोर लड़ू रेडी अच्छी, यहपर भाव में सब लड़ू को तैयारी करे मुढ़ी लड़ू को। देखु एवं मोर लड़ू रेडी अच्छी, एवं देख सब कर बहुत। देखो के टाइट भी हो बिलकुल फिटनी भी, देखु किपर भाव लड़ू तैयारी हो। आपण मैंने घरे मुढ़ी लड़ू तैयारी कर खातु, किपर लगे मत कमेंट बॉक्स में लिखी जनातु। मोर चैनल को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, आप फ्रेंड मान सांगे शेयर करूँ। रहुची, जय जगन्नाथ।